हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे अपने प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज और इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर रखा है। अभी हम लोग कवर करने वाले हैं अपने कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसके अलावा दीज आर द अवेलेबल कोर्सेज जिसको कि आप यूज कर सकते हैं अपने यूपीएस प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। कल्चर के करंट अफेयर्स को देखें तो सबसे पहले आती है कुछ मार्शल आर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स जिसकी की लगातार इसकी परफॉर्मेंस होती रहती है। तो इसमें आपको केवल और केवल नाम याद रखना है, जैसे कलारीपयट्टू ये केरला का है, सिलंबम ये तमिलनाडु का है, थांगटा ये मणिपुर का है, थोडा ये हिमाचल प्रदेश का है, लाठी खेला ये पंजाब और बंगाल दोनों का है, परिखांदा ये बिहार का है, फिर उसके बाद मर्दनी खेल ये महाराष्ट्र का है, घटक ये पंजाब का है। तो बेसिकली यही सब कुछ इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि कौन सा कहां से रिलेटेड है। इसके अलावा देखिए एक और कुछ करेंट अफेयर्स है रिलेटेड विद किल्की लैंग्वेज। देखिए बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखी होगी और उसमें एक कैरेक्टर रहता है जो बहुत ही अजीब लैंग्वेज बोल रहा होता है, वो बेसिकली उस लैंग्वेज का नाम दिया गया है किल्की लैंग्वेज। ये फिलहाल इस लैंग्वेज को इसके ग्रामर डेवलप कर दिया गया है और डेवलप करने के कारण से ही ये एक यंगेस्ट लैंग्वेज बन गया है। तो हाईली चांस आपके एग्जाम के लिए कि आपसे पूछा जाए किल्की लैंग्वेज वॉज रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या है, तो आप बता देंगे एक यंगेस्ट लैंग्वेज है। दूसरी चीज, ये अभी रिसेंट में डेवलप की गई है, मतलब ना तो ये किसी रेस, किसी कम्युनिटी या किसी कास्ट या किसी ट्राइब वगैरह के बारे के द्वारा ये बोला नहीं जाता, ये डेवलप की गई है। इसके अलावा देखिए एक और छोटी सी फैक्ट है, वो इंपॉर्टेंट है कि यूएन जनरल असेंबली हैड प्रोक्लेम 2008 का जो ईयर था उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज ये किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 2020 and 2021 इन चारों ईयर को किस नाम से यूएन ने, मतलब यूएन ने क्या डिजिग्नेशन दिया हुआ है। ये यूएन ने जिस तरीके से 2008 को बोला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज, उसी तरीके से यहां पर यूएन ने क्या इसको डिजिग्नेशन, क्या प्रोक्लेमेशन दिया गया है। चलिए खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में। आगे करंट अफेयर्स हमारी आती है रिलेटेड विद फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल देखिए दो फेस्टिवल आपको हालांकि अभी ध्यान में रखना है, बाकी हम लोग कल जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। इसमें से एक है जो नमस्ते ओरखा फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओरखा एक यहाँ की जगह का नाम है, उसी के नाम पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरी है मेदारम जत्रा या इसी को बोलते हैं समक्का सलमा जत्रा, ये जो है तेलंगाना में मनाया जा रहा होता है। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेस्टिवल का केवल और केवल नाम पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। इसके बाद जो होती है एक ट्राइब से रिलेटेड असुर ट्राइब, इसके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये झारखंड की एक ट्राइब है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत आती है। पीवीटीजी क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, लास्ट में वीडियो के सजेशन भी आ जाएगा आपको, अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप वॉच आउट कर लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा, असुर ट्राइब न्यूज में क्यों आई है? न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि ये असुरी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं और इनकी लैंग्वेज को इस समय काफी ज्यादा थ्रेट हो गया है। थ्रेट का मतलब कि इनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है जिसके कारण से इनकी लैंग्वेज लगातार खत्म होती आ रही है, ये इंडेंजर्ड हो गई है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट ये असुर ट्राइब के जो लोग हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं अपने लैंग्वेज के बारे में और इसी वजह से ये न्यूज में बनी हुई है। द मेन फेस्टिवल ऑफ द ट्राइब कौन कौन सी है? साखुल, पगुआ और नवखांस, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो असुर ट्राइब मनाती है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो लिस्टेड इन यूनेस्को इंटरैक्टिव एटलस ऑफ वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर, मतलब कितना ज्यादा इनकी लैंग्वेज इंडेंजर्ड है। इनफैक्ट ये ट्राइब ही कितनी ज्यादा इंडेंजर्ड है आप यहीं से देख सकते हैं कि इनको यूनेस्को इंटरैक्टिव एटलस में भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद एक छोटी सी टेम्पल से रिलेटेड न्यूज है जिसका नाम है श्री विहदेश्वरा टेम्पल। काफी इंपॉर्टेंट और काफी कह लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है। बृहदेश्वरा टेम्पल नाम सही है, बृहद बृहद मतलब काफी वैसे बड़ा होता है ये टेम्पल। इसमें रिसेंट में न्यूज क्यों आई है? न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि फिलहाल मद्रास की हाईकोर्ट ने यहाँ के कुंभाभिषेकम के लिए इनको, सेरेमनी के लिए इनको परमिशन दे दी है कि चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कर सकते हैं। तो रिसेंटली रिचुअल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हैपेंड आफ्टर 23 इयर्स। बृहदेश्वर टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज राजराजेश्वरम और पेरुदय्यर कोविल टेम्पल।
तो ये बनाया किसके द्वारा गया था, ये बनाया गया था राजा राजा चोल के द्वारा। चोल डायनेस्टी के राजा थे, काफी इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इट हैज सीन ओनली 5 कुंभाभिषेकम सेरेमनी, ऐसा बोला जाता है कि हर 12 साल पे मतलब कुंभाभिषेकम करना चाहिए, बट खैर 5 टाइम्स हो रखा है। हालांकि इतनी ज्यादा डिटेल आपसे कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, आपसे केवल और केवल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ही चीजें पूछी जाएंगी, बट ये करेंट अफेयर्स में रही है तो ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण मारू, साउथ की मारू भी इसको बोला जाता है। द टेम्पल इज पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन एज गिविंग लाइफ चोला टेम्पल अलॉन्ग विद चोला डायनेस्टी एरा गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल और एरावेश्वर टेम्पल, ये दोनों भी यहीं के हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो देखिए ये बेसिकली आपको थोड़ी सी यहाँ पर याद करना पड़ेगा आपको कि क्या चीज है इसके बारे में, क्योंकि टेम्पल के आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में, जैसे ये टेम्पल जो होती है वो द्रविडियन स्टाइल में बनी हुई है, तो कुछ कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट होते हैं द्रविडियन पॉइंट के, हो गए जैसे वेसरा स्टाइल हो गए, तो ये सब हम लोग बात करेंगे अपने जब आर्ट एंड कल्चर की सेक्शन देखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर फैक्चुअल डिटेल है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, बाद में इसकी और क्लैरिटी आएगी कि क्या चीज है। आगे अगर बढ़े तो देखिए गुरु रविदास के बारे में है, तो गुरु रविदास का भी क्या है फरवरी में बर्थडे पड़ जाता है, तो इस वजह से ये न्यूज में आ गए थे। तो खैर ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनके बारे में, क्योंकि ये भक्ति मूवमेंट के थे और ये कबीर के समकालीन थे, मतलब कि कबीर के कंटेम्प्ररी थे, मीराबाई इनके डिसिपल थी। तो गुरु रविदास वॉज अ नॉर्थ इंडियन मिस्टिक पोएट ऑफ भक्ति मूवमेंट। गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेटेड ऑन माघ पूर्णिमा विच इज द फुल मून डे इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ माघ। द आदि ग्रंथ ऑफ सिख इन एडिशन टू पंचवाणी आर द टू ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ लिटररी वर्क ऑफ गुरु रविदास। तो ये कुछ इनके वर्क हैं जो याद रखनी है आपको। ही बिलोंग टू अनटचेबल कास्ट एंड सफर्ड अ लॉट ऑफ एट्रोसिटी एज अ रिजल्ट। तो ये चमड़े का कुछ काम कर रहे होते थे और लोअर कास्ट के थे, तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटल स्टिग्मा से अटैच तो होंगे ही होंगे। तो अमंग रविदास मोरल एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट वर द कंसेप्शन ऑफ बेगमपुरा अ सिटी दैट नोज नो सॉरो और सोसाइटी वेयर कास्ट क्लास हैव नो सीज टू मैटर। कुछ भी मैटर नहीं करता है इस वाले बेगमपुरा वाले जो गांव है। इसके बाद देखिए एक और है कोणार्क टेम्पल के बारे में है, जहां पर कोणार्क टेम्पल को कंजर्व करने के प्लान के बारे में तैयारी की जा रही है। कोणार्क टेम्पल ये उड़ीसा गवर्नमेंट में है, उड़ीसा मतलब है, तो कोणार्क टेम्पल इज 13 सेंचुरी सी इज सन टेम्पल एट कोणार्क। कोणार्क का थोड़ा सा मतलब देख लीजिए, कोण और अर्क, कोण का मतलब होता है एंगल और अर्क का मतलब होता है सन, तो सन मतलब अलग अलग ये पोजीशंस में दी गई है, जैसे मॉर्निंग सन को भी दिखाया गया इस टेम्पल में, फिर उसके बाद से डे टाइम के सन को भी दिखाया गया, इवनिंग टाइम के भी सन को दिखाया गया, और ऐसा बोला गया है हर एक का अलग अलग मतलब है। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिंह देव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अबाउट 1250 CE, ऑल्सो कॉल्ड द सूर्य देवालय। इट इज अ क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और कलिंग आर्किटेक्चर। टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा एंड इन 1984 इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कुछ यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में आपको जानने की जरूरत है। इसके बाद आते हैं एक और हम्पी के बारे में है, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है हम्पी, क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, विजयनगर एम्पायर के दौरान में ये आती है। तो इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर बैक इन द 3rd century BC। हम्पी वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग 4 डिफरेंट डायनेस्टीज टूगेदर विजयनगर एम्पायर। चारों डायनेस्टी जो हमारी विजयनगर एम्पायर में बनी थी, तुलुआ, वो सारी से सारी डायनेस्टी जो होती है ये हम्पी को ही मतलब कंटेम्प्रेरी रही है, हम्पी के ही नियर अबाउट में घूमी हुई है। तो इनफैक्ट किष्किंधा कांड ऑफ रामायण हैज आल्सो स्पेशल सिग्निफिकेंस कंसर्निंग हम्पी। हम्पी में इसका किष्किंधा कांड में भी हम्पी का उल्लेख किया गया है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को एज अ ऑस्टर ग्रैंडायर साइट ऑफ मोर देन 1600 सर्वाइंग रिमेन्स ऑफ द लास्ट हिंदू किंग इन साउथ इंडिया। नॉट सच इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कल्चर, जहां कल्चर की न्यूज, जहां पर बैटल ऑफ जानाकले, इसको जानाकले पढ़ा जाता है, जानाकले की ये बैटल हो जाती है। ये वर्ल्ड वॉर वन के दौरान की बात है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स में, इसलिए हाई चांस है कि आपसे पूछ लिया जाए। सबसे पहले बैटल के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद से देखेंगे क्या कुछ है। तो यहां पर देखिए, इट वॉज ऑल्सो नोन एज गोलीपोली कैंपेन। गोलीपोली कैंपेन का मतलब, गोलीपोली वो जगह का नाम है जहां पर यह बैटल लड़ी गई थी, और द डैनडेल्स कैंपेन। अब ये डैनडेल्स कैंपेन क्या है, डैनडेल्स जो होती है स्ट्रेट ऑफ डैनडेल्स है,
क्या चीज है, अभी हम लोग मैप में देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इस कंसीटो कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ब्लडीएस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, करीब 2.5 लाख लोग मारे गए थे इसमें, तो काफी ज्यादा यह डेडलीएस्ट वॉर बोला जाता है। ड्यूरिंग द बैटल ओटमन एम्पायर ओटमन आर्मी फेस्ड ऑफ अगेंस्ट द एलाइड फोर्सेस इन मार्च 1915, विंस्टन चर्चिल जो होते हैं यो यूके का मतलब ब्रिटेन का नेवी कमांडर था, तो ही डिवाइज्ड द प्लान टू टेक कंट्रोल ऑफ द डैनलैंड्स द स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट कनेक्टिंग द सी ऑफ मरमारा टू द एजियन सी एंड मेडिटेरेनियन सी। अब जरा हम लोग आते हैं और मैप में पहले देख करके फिर समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाए इस पूरे के पूरे इशू में। तो देखिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ में जब आप यहां पर आएंगे, कहां पर आएंगे आप, आ जाइए टर्की के पास में। जब आप इस टर्की के पास में आएंगे तो आपको दिखेगा दिस इज मेडिटेरेनियन सी, देखिए मेडिटेरेनियन सी हो जाती है। और यहां पर आप आएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए यहां पर एक छोटा सा स्ट्रेट है जिसका नाम है डर्डैलेंस, ठीक है। और यहीं पर आपको दिखेगा गैलीपोली, ठीक है, ये आपकी टाउन है जो गैलीपोली है। और ये पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज पेनिनसुला, जो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन होल्ड कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए मेडिटेरेनियन को जोड़ रहा है सी ऑफ मरमारा से और ये आगे ब्लैक सी से जोड़ दे रहा होता है। और ब्लैक सी यहीं पर हमारी इस्तांबुल है, देखिए ये हमारी इस्तांबुल आ जा रही होती है। तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी को भी, किसी भी यूरोपियन पावर को अगर इस एरिया में आना है तो वो आएगा कैसे, वो आएगा ब्रिटेन से, चलते हैं हम लोग ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में जैसे ही आप यहां से देखेंगे तो पहले ये नॉर्थ सी से होते हुए पहले ये आएगा स्पेन होते हुए, फिर यहां पर ये गल्फ ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए अंदर मूव करेगा और आ जाएगा अपने मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में भी ये इंक्लूड यहां पर आएगा, आने के बाद यहां पर एजियन सी आ जाती है, एजियन सी से ये मूव करेगा डर्डैनलैंड्स। तो अगर यहां पर ये अपना कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कि जो विल्सन चर्चिल था वो ये कहा था कि अगर हम लोग इस पोर्ट पे, इस एरिया पे, इस स्ट्रेट पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, गैलीपोली एरिया को कवर कर लेते हैं, तो हम बहुत आराम से इस ब्लैक सी के सहारे हम लोग जा करके इस्तांबुल पे अटैक कर सकते हैं। और इस्तांबुल पे अगर अटैक कर लेंगे तो ऑब्वियसली इस पूरे एरिया पे, इस ओटोमन एम्पायर पे हम पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेंगे। तो ये थी पूरी की पूरी इश्यू जो आपको ध्यान से समझने की जरूरत थी। तो इनफैक्ट जो होती है कई सारे ज्योग्राफी की भी थ्योरीज हैं जहां पर ये बोला गया है कि दोज हु कंट्रोल द पिवोटल एरिया कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड। तो खैर वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है जी इसमें, लेकिन ये है कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस बन रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कंडीशन बन क्यों रही है। देखिए वर्ल्ड वॉर वन के दौरान में बेसिकली दो पक्ष थे, दो पार्टीज थी, एक पार्टी थी जो आपकी अलाई पार्टी थी और दूसरी पार्टी थी जो एक्सिस पार्टी थी। तो अलाई पार्टी जो थी उसमें यूके, फ्रांस और ये सारे लोग थे, और ये लोग अगेंस्ट थे जर्मनी के, और जर्मनी का साथ देने के लिए आ गया था इस्तांबुल, मतलब कि ओटोमन एम्पायर। तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट जैसे ही ओटोमन एम्पायर ने जर्मनी की हेल्प करने के लिए बोला, वैसे ही ब्रिटेन ने अटैक कर दिया ओटोमन एम्पायर के ऊपर, बिना ये सोचे समझे कि यहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्लाइमेट की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कोई डिसीज फैल सकता है कि नहीं फैल सकता है। तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट ये हमारी बैटल लड़ी गई थी और यहां पर ब्रिटेन को काफी हार का सामना करना पड़ गया था। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ओटोमन एम्पायर ये जीत गया था ये बैटल, और इसी वजह से इस पूरे बैटल को हमेशा ही ओटोमन एम्पायर मतलब कि टर्की में काफी एक मेमोरी के रूप में देखा जाता है, एक जीत के रूप में देखा जाता है। वापस से आ जाते हैं हम लोग अपने इस करंट अफेयर्स पे। तो यहां पर यही चीज है, समझ में आ गया होगा आपको, एंड दस रीच कॉन्स्टेंटिनोपल टुडेज इस्तांबुल एट द माउथ ऑफ बॉस्फोरस। तो इस तरीके से पहुंच जाएंगे। बाय टेकिंग कॉन्स्टेंटिनोपल द अलाइज होप टू ब्रेक द तुर्क who had recently entered the war on the side of Germany. तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला वही वाला केस है। The Allies carried out heavy naval bombardment of Turkish forts along the shore of Dardanelles and when that failed, they came up with amphibious landing in military history at that time. Amphibious का मतलब ये लोग फिर land से war करना शुरू कर दिए थे, मतलब ये लोग उतर करके जमीन पे आ गए थे और फिर army war start हो गई थी। The battle resulted in demolition of Churchill and emergence as Turkish side of the military, young military hero Mustafa Kemal Ataturk. तो ये जो है वो तुर्क का मतलब कि कॉन्स्टेंटिनोपल का, या फिर कह सकते हैं कि ये ओटोमन एम्पायर की तरफ से ये लड़ रहा था। तो ये काफी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। क्वेश्चन ये होता है कि आखिर में ये क्यों न्यूज में आया है। तो अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान में जो टर्की के प्रेसिडेंट है अर्दोगन, वो गए और उन्होंने अगेंस्ट इंडिया मतलब कि कश्मीर के इशू को यहां पर उठाया और इन्होंने बोला कि जिस तरीके से ये जो जाना काले है, जहां पर पाकिस्तान ने मतलब कि उस समय तो इंडिया मतलब अंडर ब्रिटिश रूल था, तो उस समय जिस तरीके से यहां हमारे लिए इन लोगों ने प्रे किया था, हम लोगों के लिए फाइनेंसर जुगाड़े थे,
वैसे ही अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीर के लिए, पाकिस्तान को दिलाने के लिए हम सारे के सारे एक्शन लें. तो दिस इज बेसिकली अ वेरी इमैच्योर स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय दिस टर्किश प्रेसिडेंट. ठीक है, चलिए खैर. तो ये थी हमारी कुछ करंट अफेयर्स बैटल ऑफ चिल्ला किले के बारे में. अब इसके बाद यहां पर हमारी आ जाती है एक और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, जहां पर कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हुआ क्या कि ये जो इंडस वैली में जो भी फूड वगैरह दिया जाता था उसके लिए एक आयोजन किया, उसके लिए एक तरीके से कह लीजिए कि अरेंजमेंट्स किए, और इसी कारण से जो होती है करंट अफेयर्स में आ गई है. तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन हर साल कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए फिलहाल करंट अफेयर्स क्या है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम इंसर्ट इंडस वैली साइट इन प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में जो फैली हुई थी सजेस्ट दैट अ प्योरली वेजिटेरियन मील विल नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ दैट ऑफ हरप्पन पीपल एट. तो हरप्पन के लोग जो होते हैं वो मतलब वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही थे. टू जज द फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ बोन्स लेफ्ट बिहाइंड एनिमल फूड वर कंज्यूम इन अबेंडेंस. और इसमें खाते क्या क्या थे, ये लोग खाते थे बीफ खाते थे, बफेलो खाते थे, मटन खाते थे, टॉर्टवाइज टर्टल, घड़ियाल, रिवर और सी फिश, ये सब बेसिकली खाया करते थे. तो अपार्ट फ्रॉम इट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रू एंड एट अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस. तो उस समय वहां पर सीरियल और पल्सेस का भी काफी अच्छा एक खाने का रिवाज था. देयर इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ पी. तो ये सारे के सारे तो हम लोग जब देखेंगे हिस्ट्री तो वहां पर भी देखेंगे कि कहां से किसके अवशेष मतलब रिमेन्स कहां पे किसके मिले हुए हैं. तो फिलहाल कल्टीवेशन ऑफ पी मतलब मटर, इसके अलावा चना या फिर तूर अरहर, ये सब चीजें भी पाई गई हैं. सेवरल वैरायटी ऑफ वीट हैव बीन फाउंड एट हरप्पन साइट एज वेल एज बार्ले ऑफ टू रोड एंड सिक्स रोड काइंड. तो अलग अलग जगहों पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या पाया गया है. फिलहाल आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सी चीजें ये लोग खाते थे. देयर इज एविडेंस दैट हरप्पन कल्टीवेट इटालियन मिलेट रागी एंड अमरंथ एज वेल एज सॉर्गम एंड राइस. तो ये सब बेसिकली ये लोग काम करते थे, ये लोग खाते पीते रहते थे. तो ये एक सरफेशियल व्यू केवल बताया गया है करंट अफेयर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. जब हम लोग अपनी डिटेल्ड प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में जब हम लोग हिस्ट्री देख रहे होंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी बेसिकली कि क्या चीज है. इसके अलावा छोटी सी और भी कुछ न्यूज है रिपोर्ट है एनडीसी से लेकर के जो आपको बेसिकली याद ही करना है, मैं वन बाई वन करके पढ़ दे रहा हूँ. इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के एक रिपोर्ट निकली है जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब यूएस में एक बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि निकालती है, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर. इसमें ऑब्वियसली इंडिया को काफी पीछे रैंक दी गई है और आउट ऑफ 53 कंट्रीज 40वीं रैंक इंडिया को दी गई है. इसके अलावा यूएस, यूके, स्वीडन, इन लोगों को टॉप रैंक दिया गया है. फिर उसके बाद दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019. ये दिया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंक 35 दी गई है. द रैंक आर बेस्ड ऑन 3 कैटेगरी, पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट, टीचिंग इन्वॉल्वमेंट, एनवायरमेंट, ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बारे में. नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, जो कि IQ एयर और ग्रीन पीस के द्वारा निकाली गई है. द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिवर. जो बांग्लादेश है वो इस समय काफी ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री के रूप में निकल करके आ गया है. इसके अलावा पाकिस्तान वगैरह भी इस समय मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं, सेम सिमिलर नेचर की ये भी पोल्यूट हो रखे हैं. नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट आ जाती है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स से रिलेटेड, और इसको भी EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ही निकाल रहा होता है. इसमें इंडिया की रैंक 57 है. ये रिपोर्ट असेस करता है 195 कंट्रीज को 6 कैटेगरी पे, कौन कौन सी, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रैपिड रिस्पॉन्स, हेल्थ सिस्टम क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड द रिस्क एनवायरमेंट. तो ये बेसिकली कुछ 6 पैरामीटर्स है जिन पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है. तो ये थी बेसिकली आज के हमारे डिस्कशन. हम लोगों ने पूरे फरवरी मंथ के डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के बारे में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए. कोई डाउट होता है तो रेज करिए अपने डाउट. हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.